are literally engaged in an unprecedented experiment with the one planet that we know of that can support life. We will respond to the threat of climate change, knowing that the failure to do so would betray our children and future generations. The big question mark is the future, of course, and a new kind of normal. Now, there are nearly 900 animal species that have gone extinct since the year 1500. Gearing up for the UN-hosted climate change summit in New York. UN Secretary General Ban Ki-moon will host the summit. अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के उस साल टिड्डियां देखने को नहीं मिली जिस साल आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पर बेहद परेशान हुए और तहकीकात के लिए आपने एक फर्द को यमन की तरफ, दूसरे को इराक की तरफ और तीसरे को शाम की तरफ रवाना फरमाया। वो कासिद जो यमन की तरफ गया था, उसने मुट्ठी भर टिड्डियां लाकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने फैला दी। जब आपने इन्हें देखा तो कहा कि अल्लाह तआला ने 1000 किस्में पैदा की, जिनमें से 600 किस्म के परिंदे और जानवर समंदर में और 400 किस्म के परिंदे और जानवर जमीन पर पैदा किए। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सबसे पहली नस्ल जो मादूम होगी वो टिड्डियों की नस्ल है, फिर इनके बाद दूसरी किस्में यके बाद दीगरे इस तरह गायब होती जाएंगी जैसे तस्बी के दाने बिखर जाते हैं। टिड्डियों की मदूमियत की निशानी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के दौर ही में जाहिर हो गई थी। इसके बाद दूसरे किस्म के जानवर दुनिया से नापैद होना शुरू हुए, यहाँ तक कि आज ये हाल है कि इन जानवरों को बाकी रखने की बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। कायदे और कवानीन बनाए जा रहे हैं कि लोगों को इन जानवरों को मारने, जख्मी करने और बर्बाद करने से रोका जाए। जानवरों के हकूक के निगहबान हजरात का दावा है कि जिस रफ्तार से इन दिनों शेर की नस्ल मादूम हो रही है, इस लिहाज से अब सिर्फ चंद सौ दिन ही बाकी रह गए हैं। एक इश्तिहार जो स्टार टीवी पर दिखाया जाता है, जो आपने भी देखा होगा, इसमें बताया गया है कि आइंदा 2000 दिनों में यानी पौने 6 सालों में बाकी 5000 शेर भी दुनिया से मादूम हो जाएंगे। अब मादूमियत क्या है? इसमें जानवरों या पौधों का वो ग्रुप है जो आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ ख़त्म हो जाता है। इनमें बहुत से जानदार शामिल हैं जो अब उस तरह से मौजूद नहीं हैं जैसे पहले मौजूद थे। डायनासोर और मैमथ की इंसानों के वजूद से पहले नापैदियाँ कुदरती वाकयात की वजह से हुईं और इसमें कई साल लगे, लेकिन जब से इंसान आए हैं बहुत से जानवरों की नस्लें बहुत कम वक़्त में ख़त्म हो चुकी हैं। तकरीबन 400 साल पहले तक न्यूजीलैंड में दियो हैकल मवास और मेडागास्कर में एलिफेंट बर्ड थे। ये परिंदे उड़ नहीं सकते थे और गालबन शुतुरमुर्ग की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। मवास के पंख भी नहीं थे, कुछ मवास तरकी परिंदे के साइज के थे लेकिन दीगर तकरीबन 7 फुट के थे। ये जंगलों में रहते थे और पौधों को खाते थे। लोग 1600 की दहाई के आखिर तक, जब तक ये परिंदे मादूम नहीं हो गए, तब तक इनका शिकार करते रहे और आज ये परिंदे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। एलिफेंट बर्ड तकरीबन 10 फुट लंबे थे और इनके अंडे बास्केटबॉल के साइज के थे। ये अफ्रीकी परिंदे मर चुके हैं क्योंकि लोग खाने के लिए इनके बड़े अंडे चोरी करते रहते थे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से दिलचस्प जानवर हैं लेकिन इससे भी ज़्यादा हुआ करते थे। 20 मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े कैंगरूज के साथ भेड़िए और शेर भी थे। पिछले 200 सालों में ऑस्ट्रेलिया के तमाम मुकामी जानदारों में से निसफ नापैद हो चुके हैं। ये ज़्यादातर शिकार और रिहायशगाह की तबाही की वजह से हुआ है। दूसरे बड़े जानवर जैसे बड़ी बड़ी छिपकलियाँ भी मर चुकी हैं। तकरीबन 120 साल पहले अमेरिकी मैदानी इलाकों में जानवरों के बहुत बड़े रेवड़ को कोगास कहते थे। इन्हें इनके गोश्त और जिल्द की वजह से कत्ल किया गया।
और अब इनका कोई वजूद नहीं है। हाल ही में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि कवागा दरअसल जेब्रा की एक किस्म थी। 1883 में आखिरी कवागा नीदरलैंड के एम्स्टरडैम चिड़ियाघर में मर गया। वो वहां 1600 साल से मुकीम था। फिर थैलासिन या तस्मानिया टाइगर का नाम तो आपने कभी ना कभी तो सुना होगा। कभी ये पूरे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में रहता था, लेकिन जब यूरोपीय आबादकार यहाँ पहुंचे तो इन्होंने इन्हें मारना शुरू कर दिया। थैलासिन ने परिंदे, कैंगरूज और छोटे चूहे खाए और ये बेड़ों का भी शिकार करते थे। इसलिए किसान अक्सर इन्हें गोली मार देते या फंसाते और जहर देते थे। आखिरी मालूम थैलासिन की मौत 1936 में चिड़ियाघर में हुई थी। बहुत से साइंसदानों के मुताबिक इस वक्त छठी बड़े पैमाने पर मादूमियत हो रही है। वो समझते हैं कि इंसान इसकी वजह है, क्योंकि जब हम दरियाओं और समंदरों को जहरीले केमिकल से आलूदा करते हैं और जंगलात को काट कर जला देते हैं तो हम कई प्रजातियों के घरों को तबाह कर रहे होते हैं। जानवर नाकाबिले यकीन शरा से मर रहे हैं, बशमूल गैर मामूली कीड़े और समंदरी मखलूक। इन जानवरों की स्पीशीज को नई नस्लों से बदलने में लाखों साल लग सकते हैं। फिर रिहाइश गाहों को तबाह करना, अगर आज देखा जाए तो लोग उन रिहाइश गाहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जहां जंगली जानवर रहते हैं। खेतों और इमारतों के लिए जगह बनाने के लिए जंगलात के बड़े इलाके काट दिए गए हैं और ये आज जानदारों की मधुमेह की सबसे आम वजह है। 1938 में एक गैर मामूली मछली जिसे सेलाकेंथ कहा जाता है, ये बहरे हिंद में रहती पाई गई। उस वक्त तक साइंसदानों का ख्याल था कि इस किस्म की मछली तकरीबन 70 मिलियन सालों से नापैद है। इस कदीम मछली को जिंदा फोसल का नाम दिया गया था। एशिया और जनूबी अमेरिका में कुछ मुकामी लोग दरख्त काट कर रोजी कमाते हैं। वो फर्नीचर के लिए लकड़ी दूसरे अमीर ममालिक को बेचते हैं। जंगली हयात की तंजीमें गैर मुल्की लकड़ी की इस तजारत को रोकने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये दरख्त बहुत नायाब है और बारिश के जंगलात खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं और इससे भी जानवर नापैद हो रहे हैं। जनूबी अमरीका में एमेजोन बारिश का जंगल है और ये जमीन पर जंगली हयात का सबसे अमीर मस्कन है। ये अरबों मखलूकात का घर है। ये सब मादूम होने के खतरे में है, क्योंकि अमेजोन के जंगल का नहायत अनमोल दरख्तों का हिस्सा लोगों ने तबाह कर दिया है। खुल्फाए राशिद का ये मुनफरद अमल था कि वो किसी भी पहलू से बेखबरी नहीं रखते थे और इस बारे में लोगों को फौरन आगाही देते थे। ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि इससे आपको अपने मजहब की सदाकत का इलम होता है और ये भी कि इस्लाम सिर्फ इंसानों की फलाह नहीं चाहता बल्कि ज़मीनी माहौल और जानदारों की कदर करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।